क्या है, आप कमेंट में खुद बताइए, इन लोगों के बच्चों का, इन लोगों का क्या भविष्य है। खाने पीने में बहुत परेशानी, इतनी गंदगी है कन्या, एक सास कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कहीं पानी इतना भरा पड़ा कन्या, रोटी भी नहीं खा जाता है, मारो तो इतनी बदबू आती है, बस लैटरिन का पानी है, आगे लैटरिन रह रही कन्या, इतना परेशानी कन्या। बस लीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इस गंदे पानी के बीच में से होकर जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि आखिर जब वोट का टाइम आता है तो आखिर कैसे अपना चेहरा इन लोगों को दिखाया जाता है और कैसे जो है वोट ले लिए जाते हैं। जी कभी सूख गया तो सूख गया, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ये बता रहे कचरे की गाड़ी नहीं आती है यहाँ पे? ना कचरे की गाड़ी नहीं आती है, क्या पता। सीएम साहब का प्रोग्राम होता है प्रेम नगर में, अपना कमेटी सेंटर में, जब भी हमने सारी समस्या सुनाई है, मैडम रेणु बाला गुप्ता के पास भी गए जी, लॉकडाउन में गए, वैसे भी गए जी, अपना मतलब ये कहानी लॉकडाउन से चली हुई है, लॉकडाउन से पहले की है जी, उससे भी पहले। हाँ जी, लोग तो कह रहे बीजेपी ने काम बड़े अच्छे किए सर, हम तो सर रोजगार सर आपके सामने है, पांच साल का पूरा रिकॉर्ड पड़ा आपके सामने है जी, ये कोई पढ़े लिखे लोग नहीं, यानी को समझाया नहीं हुआ, सरकार आ रही है अभी, सबने खुश होकर दिया, लेकिन हमने तो भाजपा को खुशी दी है, उसके बदले में हमें ये नतीजा मिला कि हमें पानी में से नहीं बचे। हो सकता है इस बार वोट दे दी, हो नहीं सर, इस बार जो, जो गलती हो चुकी है अब वो नहीं होगी सर। तो दोस्तों बता दें, उससे थोड़ी आगे मैं और आया हूँ, कई बार आपको ये ना लग रहा हो कि कहीं खास खास जगह पर जाकर दिखाया जा रहा है, तो मैं बता दूं खास खास जगह पर जाकर नहीं दिखाया जा रहा, ये देख लीजिए पूरी गली एक बार देख लीजिए, ये पूरी गली भरी हुई है। और मैं आपको बता दूं तो मैं इस गली में लगभग एक साल या डेढ़ साल मुझे हो गया है, जितना मुझे याद है मैं यहाँ आया था तब भी ये गली ऐसी भरी हुई थी। और बता दें तो अभी इन दिनों में कोई बारिश भी नहीं आई है, मैं आपको बता दूं तो इन दिनों कोई बारिश नहीं आई है, अभी तो गर्मियों का समय चल रहा है, और गर्मियों के समय के अंदर मैं आपको बता दूं तो अभी तो यानी कि जून और जुलाई में क्या स्थिति होने वाली है वो कहीं ना कहीं जो है ये अब जरूर दिखाती है। लोग यहां से ऐसे बाइक पर निकलते हैं, ये देख लीजिए ऐसे बाइक पर निकलते हैं। अब मुझे बताइए कि इन लोगों का भविष्य क्या है, आप कमेंट में खुद बताइए, इन लोगों के बच्चों का, इन लोगों का क्या भविष्य है। कोई बूढ़ा आदमी है तो वो बूढ़ा आदमी आखिर इस गली के अंदर टहलने निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिंदगी की दौड़ धूप के बाद अब वो ये सोच रहा होगा मैं चार दिन घर में आराम से गुजारूंगा, लेकिन वो घर में ही रहेगा, बाहर नहीं निकल सकता है। गंदगी कितनी ज्यादा है देख लीजिए, लोग पैदल चल रहे हैं, अब ये गंदा पानी, सीवरेज का पानी जिसमें कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, ये बाट बस्ती है करनाल के, बता दें फ्रेंड्स कॉलोनी के पास की तस्वीर है, लोग अपनी बातें यानी पहुंचते ही लोग अपनी बातें कहने के लिए खुद आ गए हैं, यहाँ किसी को बुलाया नहीं गया है। तो यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे, अब बताइए क्या भविष्य इन बच्चों का, जिन बच्चों के यानी कि क्या इनको बच्चों को बीमारियां नहीं लग सकती हैं या क्या नहीं हो सकता है, आप खुद सोचिए ये लोग कितने ज्यादा। तो आप ये तस्वीर देख लीजिए, जो महिला एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं हम, जो महिला है उनसे बात कर लेते हैं। बहन जी, जी बहन जी, घर आपका गली में ही है इसमें? बहुत परेशानी, कहीं मादम अच्छी है, इसमें कन्या कीड़े आते अंदर, कहीं खाने पीने में बहुत परेशानी, इतनी गंदगी है कन्या, एक सास कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कहीं पानी इतना भरा पड़ा कन्या, रोटी भी नहीं खा जाता है, हमारे तो इतनी बदबू आती है, बस लैटरिन का पानी है, आगे लैटरिन रह रही कन्या, इतना परेशानी कन्या। बस तो आपको बता रही है, देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे है, ये स्कूल बैग अपने साथ लेके, बेटे कहाँ से आ रहे हो, ट्यूशन से आ रहे हो? ट्यूशन से आ रहे हो बेटा? यस, ट्यूशन से आए हूं। तो बेटा आप कब से ऐसे पानी से निकल रहे हो ऐसे? बहुत दिन हो गए। इसी गंदे पानी में से होके जाते हो आप? यस। ऐसे जाते हो आप? हाँ जी। आप देख लीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इस गंदे पानी के बीच में से होकर जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि आखिर जब वोट का टाइम आता है तो आखिर कैसे अपना चेहरा इन लोगों को दिखाया जाता है और कैसे जो है वोट ले लिए जाते हैं। मुझे ये बताइए, जब यहाँ पर काम नहीं होता तो फिर लोग वोट कैसे दे देते हैं, मतलब ये समझ में मेरे नहीं आ रहा इस बात। वोट लेने की दफे तो आ जाते हैं बाबू जी यहाँ पर, फिर तो कहेंगे ये कराएंगे वो कराएंगे वो कराएंगे, फिर लोग वोट दे कैसे देते हैं वो क्या पता, और सुनाई कुछ होती नहीं है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, बुढ़े खेड़े तो गिरते हैं यहाँ पर, कोई दुख है तकलीफ है सारी है, बहुत दिनों से नहीं, हम परेशान हैं यहाँ। पिछली बार भी आपने बुलाया था? पिछली बार भी एक साल डेढ़ साल हो गया। हाँ हो गया। हमारी सुनाई नहीं होती है कुछ भी, हमारे बच्चे ऐसी परेशान रहते हैं, हम सारे परेशान होते हैं, बीमार पड़ते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, ऐसे जाते हैं ट्यूशन, बच्चे जाते हैं स्कूल को भी, ट्यूशन को भी, सारे ऐसे जाते हैं लाल के रोज, ऐसी कभी सूख गया तो सूख गया, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ये बता रहे कचरे की गाड़ी नहीं आती है यहाँ पे? ना कचरे की गाड़ी नहीं आती है, क्या पता। दूध वाला सब्जी वाला कोई भी सौदा बेचने वाला कोई नहीं आता है यहाँ पर, ना सब सौदा सामान वहाँ लेने जाते हैं उधर पानी में है लल। यहाँ से सीएम साहब का घर जो है 300 मीटर की दूरी पे है जी, कटर साहब का घर 300 मीटर की दूरी पे है,
सीएम साहब तो अब रहे नहीं, वो अब तो जब थे जब से भी हम धक्के खा रहे हैं जी। सीएम साहब का प्रोग्राम होता है प्रेम नगर में अपना कमेटी सेंटर में, जब भी हमने सारी समस्या सुनाई है, मैडम रेनू बाला गुप्ता के पास भी गए जी, लॉकडाउन में गए, वैसे भी गए जी अपना, मतलब ये कहानी लॉकडाउन से चली हुई है, लॉकडाउन से पहले की है जी, उससे भी पहले, हाँ जी लॉकडाउन से पहले की है जी, कहने मतलब 5-6 साल हो चुके हैं सिवरेज को जी, जब से ये एमसी बना हुआ हमारी कोई सुनवाई नहीं जी। समस्या क्या है, सिवरेज छोटे हैं, सिवरेज छोटे हैं जी, सिवरेज ब्लॉक पर जाते हैं जी, जब भी कम्प्लेट कराएंगे बांस मारेंगे 2 दिन से तीसरे दिन फिर पानी गैसी पड़ जाता है, और मेरी शनिवार की कम्प्लेट लिखी हुई है जी, कल भी गए आज भी गए जी, ठीक करते हैं वो कहते हैं आ जाएंगे। आप सब लोग वोट देते हो? हाँ वोट दिया था पिछली बार, वोट दिया था, आपने दिया था, हाँ सारे जगह आए, हम भी इसी वोट देते हो ना, हम भी इसी हिंदुस्तान के नागरिक है जी, पाकिस्तान से आए नहीं हुए हैं जी, हम भी सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये देखो लोगों को क्या हाल हो रहा है जी, और देश में सनातन धर्म का जैसे प्रचार हो रहा है, श्री राम मंदिर जी की हम क्या करेंगे, हमारा इतना बुरा हाल जी, हमारा तो करो कुछ ना कुछ, लोग तो कह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं उनकी भावनाएं बड़ी खुश हो गई हैं, राम मंदिर बन गया, खट्टर साहब तो अपना छोड़ के भाग गया जी खड़ा, हम कहाँ जाएं जी, किसके सारे जाएं, अब वो तो चले गए, वो तो चले गए जी, हम किसके पास जाएं, अब तो नायब जी आ गए, ठीक है जी नायब जी आ गए, हम कैसे जाएं, जब मौके का हमारा पड़ोस का सीएम ने हमारा कुछ नहीं करा जी, तो नायब सिंह सैनी साहब तो हमारे यहाँ 40 किलोमीटर कुरुक्षेत्र में बैठे जी, वो हमारी क्या कार्रवाई करेंगे जी, हमें बीजेपी वालों से बिल्कुल ही आस खत्म हो गई, पता बीजेपी वाले दोबारा आ जाए फिर कोई भला कर दे, नहीं जी नहीं, वोट तो बीजेपी को तो वैसे नहीं देना जी हमने, क्योंकि हमारी पूरी कॉलोनी का मन है, और हमारा हम तो सर देखो सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे, लोग तो कह रहे बीजेपी ने काम बड़े अच्छे किए, सर हम तो सर रोजगार, सर आपके सामने है 5 साल का पूरा रिकॉर्ड पड़ा आपके सामने है जी, ये कोई पढ़े लिखे लोग नहीं, यानी को समझाया नहीं हुआ जी जी, हम भी ऐसे पैर पे एलएल के जाते हैं, हम भी आवाज आज में हम जाते हैं, हम गंदगी में जाते हैं, खाने के लिए हम तो परेशान होते हैं, नींद नहीं आती हमारे को बिल्कुल भी, गंद स्मेल आती है और क्या, सोता खाते तब जब भी आती है स्मेल, सोते फिर भी आती है, बिगलाल आदमी हो गए, भगवान 4-5 साल हो गए बलकर ऐसी गंदगी देख जी रहे, ऐसी ऐसे ही जी रहे, ऐसे जी रहे, देखने नहीं आया मतलब, आते नहीं आते हैं बस, आप देख के पाना देख चले जाते हैं ऐसे ही गंदगी आदमी। मैं आपको बता दूं तो वीडियो जरूर लंबा हो रहा है, लेकिन इतना बता दूं तो लोग कहीं ना कहीं उनके जो दुख दर्द है वो निकल कर आ रहा है, इसलिए वीडियो को फिलहाल हमने बीच में काटा नहीं है, लेकिन आपको बता दें जी, ये देखिए सर ये डिटेल है जी, ये रजेश सब्जी जी को देखो, ये सारे मैसेज लिख के भेजे हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, रोज ला रहे हैं, अभी 3 महीने पहले आए थे, 1 हफ्ते में काम हो जाएगा आपका, कब भेजा है दिखा दीजिए, ये देखिए सर इसकी डेट देख लेते हैं कैमरे पे, ये देखो कैमरे पे, ये देखो जी एक एक चीज लिख के भेजी है, घरों तक में पानी है, ये कब का है मैसेज, ये देखो फरवरी का मैसेज है सर, ये अच्छा फरवरी का है, और इससे पहले के भी हैं, ये सारी वीडियो है मैसेज है, ये तो, देखो अब तो सबकी पोस्ट जा चुकी है, अब तो कोई कुछ भी नहीं करेगा, अब तो कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा सर हमें ला रहा है तो लगाया जा रहा है 5 साल से, ये तो मतलब हौसला दिया जा रहा है, कर देंगे, बोला था ये सर डिटेल है, एक चीज की डिटेल है हमारे पास, सुनो सुनो जब भी जाते हैं हमारे को झूठा वादा कर देती है सरकार, ये देखिए यहाँ के जो पत्र उत्तराधिकारी बैठे हैं ना उनके पास जाते हैं तो कहते हैं जी आपका टेंडर पास हो रहा है और आपका महीने 1.5 महीने में काम चलने वाला है, कोई काम नहीं चलाते, पशु से भी बेहतर जिंदगी हो रही है हमारी, पशु भी जो है ना अच्छी जगह मांगता है बैठने के लिए, हमारी जो है ना इतनी बुरी हालात हो रही है आप देख रहे हो, ये गली सर एक और गली हो रहा है, एक गली एक आगे जितनी बार भी जाते हैं इसके गणेश जी के पास, हाँ राजीव के पास भी गए थे, राजेश के पास भी गए थे, यागी के साहब और बिट्टू के पास भी जाते हैं, रीनू कभी आए नहीं जी, रीनू बाला को जो है रीनू बाला को यहाँ बुलाया, स्वागत किया, सामने हमारा धर्मशाला का प्लाट है और उसने वादा कराया था कि आपकी गली आपके सीवर बदले जाएंगे और बढ़िया गली बना के देंगे हम, उसके बाद बनने के बाद एक दिन भी हमारा संदेशा लेने के लिए नहीं, अभी तुम दुखी हो, मर रहे हो, जी रहे हो, ठीक है जी, इसके साथ साथ गरीबों के जो हक है, हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे, कोई सर्विस नहीं मांग रहे, कोई बिजनेस नहीं, हमारा मेहनत करते और खाते हैं, हमारे राशन कार्ड भी काटे गए गरीबों के, हालांकि मेरा लड़का है, मेरा लड़का दोनों आंखों से अंधा है जी, यहाँ सर्वे करने के लिए आए, उनने जो है ना कम करने की वजह से 5 लाख इनकम कर दी, ना मेरी कोई सरकारी नौकरी है, ना मेरे बच्चों की नौकरी है, आप देख लीजिए, ये वो सभी मुद्दे हैं जो पिछली बार भी हमने IBN 24 पर दिखाए थे, हालांकि आज की बात करें तो आज आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी गंदगी के अंदर ये परिवार रह रहे हैं, लेकिन अब मुझे कोई ये बता दीजिए कि कुर्सी पर बैठे वो सब नेता जो बता दें AC भी लगाते हैं तो उस ब्रांड का लगाते हैं जिस जो ब्रांड जो है कहीं ना कहीं अमेरिका में बनता होगा, तो बता दें तो आखिर अगर ये पानी उनके घर के आसपास भी कहीं दिखे तो क्या वो लोग उस आसपास इलाके में घूमना भी पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, अब आप बता दीजिए
तो मैं इतना कहना चाहूंगा, ये सभी लोग वोटर्स हैं, आप एक बार जरूर दिखाइए, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने वोट किए हुए हैं। आप करते हो वोट? करते हैं वोट, तो फिर आपका हल क्यों नहीं होता? हल निकलते 3-4 साल हो गए, इसको तो निकलते नहीं पानी है। रजेश जी में रहे, इन्होंने इतने दिन से हमारे को मतलब लारा दे रखा है, आज हो जाएगा। अभी फोन करता हूँ, देखो अभी क्या कहेंगे। करूँ फोन तो मैं आपको बता दूं, अभी लारा मिलेगा। सर जी मेरी बात सुनो, मैं सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ कि सेक्टरों के अंदर काम हो रहा है, वहाँ भी तो इंसान होंगे, और कॉलोनी के अंदर भी जो हम जो दिक्कत भोग रहे हैं, हम क्या इंसान नहीं है? वो क्या ऊपर से थोड़ी आए हैं? लेकिन 500 गज की कोठी के अंदर, जो एक कोठी होती है गज के अंदर, उसमें 2 वोट जाते हैं, और यहाँ 100 गज के प्लाट में 25 वोट होते हैं, तो 25 के 25 भुगताते हैं हम, और सेक्टरों के अंदर सिर्फ 1 या 2 वोट निकलता है कोठियों में से, लेकिन उनसे ज्यादा वोट देते हैं हम सरकार को। कह रहे हैं सर कि जो ये टेंट नाला बनाने वाले बंदे हैं ना, वो आ नहीं रहे हैं। हमारी दुकान है मीरा घाटी पे, ठीक है, और वहाँ पे अभी सड़क बनी थी, अभी 1-1.5 महीना पहले, रबड़ वाली, और उसको पाड़ के दोबारा नाला बना रहे, बिल्कुल ओके नाला था। आप देख लीजिए, शहर की सब एक ऐसा इलाका जो शायद लोगों को शायद नाम भी कई बार मालूम ना हो, लोगों को ना कोई जानता हो, लेकिन वहां पर भी हर चीज समझते हैं लोग, चाहे लोग अनपढ़ हो, चाहे लोग जाहिल हो, कुछ भी हो बता दें, लेकिन लोग हर चीज समझते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। ये लारे वाला काम है सर, और कुछ नहीं है, काम तो आज तक नहीं हुआ। 5 साल का इतिहास, लेकिन हमने 5 साल का इतिहास देख लिया जी, कि बीजेपी को वोट देने के बाद हमारे ये बुरे हाल हो रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री आए हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े दावे करके गए हैं, लेकिन वो दावे सारे पानी में बह रहे हैं जी। लेकिन इस बार तो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, कह रहे हैं देश को बदलना, कह रहे हैं देश का संविधान बदल के देश को और आगे लेके जाना। अगर वो 500 का नारा जो भी दे रहे ना, तो सीएम साहब को अपनी सीट छोड़ने की जरूरत ना पड़ती जी। 5 साल से सीएम साहब को अपनी सीट छोड़ने की जरूरत ना पड़ती। अगर इतना बीजेपी दावा करती तो खट्टर साहब को अपने यहाँ करनाल से विधानसभा से लड़ाती, तब मानते भी बीजेपी के बाकी नारे हैं। तो आप देख लीजिए, फिलहाल तो ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बाढ़ बस्ती करनाल फ्रेंड्स कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे किनारे पर ये कॉलोनी है। अब ये समस्या देख लीजिए हमें आ रही है। भाजपा को हमारी कॉलोनी ने 2 बारी वोट दिया जी, पूरे ढोल ढमक्कड़ से, खुशी से, दोबारा भी कि देश के अंदर ऐसी सरकार आ रही है, सबने खुश होकर दिया, लेकिन हमने तो भाजपा को खुशी दी है, उसके बदले में हमें ये नतीजा मिला कि हमें पानी में से नहीं बचे। हो सकता है इस बार वोट दे दी, हो नहीं सकता सर, जो, जो गलती हो चुकी है अब वो नहीं होगी सर। वो कहते हैं दूध का जला लस्सी भी फूक के पीता जी, वो कहानी है जी। अब तो आपको बता दें, तो फिलहाल लोगों की आप समझ सकते हैं भावनाएं जरूर निकल कर आ रही है। एक बार पीछे आप जरा दिखा दीजिए, कितने लोग फिलहाल हमारे पहुंचने के बाद यहाँ इकट्ठे हो गए, इनको बुलाया नहीं गया है, ये खुद आए हैं, क्योंकि इन लोगों की समस्या एक ही है कि हमारी आवाज़ कोई सुनने आ जाए। लेकिन बता दें उनकी आवाज़ आखिर सुनेगा कौन, कोई ना कोई तो सुनेगा ही, तो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं हम ही सुन लेते हैं, हालांकि हमारे सुनने से तो क्या होगा, क्योंकि जिनको ये काम करना है ये उन्हीं की जी। ये हुडिया बना रखी है, ये हुडियों से ऊपर भी बैक मार। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से आपको ये सारी परेशानी लोगों की दिखाई गई है, ये सिर्फ एक परेशानी है, क्या है, सीवरेज की। अब सिर्फ क्या इस एक परेशानी के हल होने से भी कुछ हो जाएगा? नहीं, अभी तो बहुत सारी परेशानियां बाकी हैं। लेकिन फिलहाल हम ये कहते हैं कि अगर इस वीडियो से इनके अगर ये समस्या ही हल हो जाती है, तो मुझे लगता है काफी बड़ी बात होगी। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होगी, क्योंकि अभी फिलहाल जनता जो है अभी इंतजार कर रही है चुनावों का। अब चुनावों में नतीजे क्या आएंगे ये तो चुनाव ही बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टियां जो है जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई हैं, और यहाँ जनता जो है इंतजार कर रही है कि फिलहाल उनकी गलियों से थोड़ी गंदगी जरूर हट जाए। फिलहाल आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय।